Hey guys, hi, welcome back in यू एंड आई ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट आलोक सिंह। फ्रेंड्स, MG मोटर MG हेक्टर को लॉन्च करने के बाद MG ZS EV को ला चुका है एंड इनकी प्लान में अभी नेक्स्ट जो गाड़ी आने वाली है वो रहेगी आपकी MG हेक्टर प्लस, जो कि आपको 7 सीटर ऑप्शन में मिलेगी। काफ़ी स्पेशल गाड़ी रहने वाली है। वो गाड़ी आपको मिल जाएगी देखने के लिए भारतीय मार्केट में बाय एंड ऑफ दिस ईयर, एंड बाय नेक्स्ट ईयर आपको मिलेगी MG 3 भारतीय मार्केट में देखने के लिए। ये इनकी पहली हैचबैक गाड़ी रहेगी जो भारतीय मार्केट में आ जाएगी। इस गाड़ी का कंपटीशन रहेगा मारुति सुजुकी बलिनो से, मारुति सुजुकी स्विफ्ट से, आपके आपके फोर्ड फिगो से, फॉक्सवैगन पोलो से। गाड़ी के अंदर प्लेंटी ऑफ फीचर्स हैं एंड ये काफ़ी सस्ती हैचबैक रहने वाली है वंस आफ्टर लॉन्चिंग। हम मान के चल रहे हैं ये गाड़ी आपको इंडियन मार्केट में पड़ेगी एक्स शोरूम 5.8 लाख रुपीज तक, एंड जो टॉप मॉडल जाएगा आपका वो जाएगा 11 लाख रुपए तक की रेंज के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको मैं शो करूंगा इंटीरियर एक्सटीरियर सारे फीचर्स। सो जस्ट इन केस अगर आपका प्लान है अगले साल एक गाड़ी लेने का, आपकी पहली गाड़ी है, तो आप इस गाड़ी के लिए प्लानिंग कर सकते हो। बिकॉज हैचबैक बहुत सारी मार्केट में आ रही हैं, बट आप चाहते हो कैसी गाड़ी जो छोटे साइज की हो, 5 लोग आराम से ट्रेवल कर सकें, किसी भी गली वगैरह में आप उसे खड़ा कर सको, आप ढंग से ड्राइव कर सको, तो गाड़ी परफेक्ट रहेगी। एक चीज़ और अच्छी है इसके अंदर कि इस गाड़ी का जो डिजाइन लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। DRL वगैरह आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। लुक एंड अपीयरेंस वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं मोटी मोटी कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ, उसके बाद में आगे आपको फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो गाड़ी का जो नाम रहेगा वो रहेगा MG 3, टाइप रहेगा हैचबैक का, एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा गाड़ी का 5.8 लाख का, लॉन्च डेट है आपकी बाय सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर 2021। गाड़ी के इंजन की बात करें आपको मिल जाएगा 1498 cc का इंजन 1.5 लीटर 4 सिलेंडर VTI टेक इंजन के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें टॉर्क एंड पावर की, तो गाड़ी आपको देती है 104.55 BHP का पावर आपके 137 Nm टॉर्क के साथ। माइलेज की बात करें तो ऑफिशियली जो क्लेम करता है MG, ये MG 3 मॉडल आपको दे देगा 18.1 KMPL का एवरेज। स्पीड की बात करें तो ये गाड़ी जो है आपकी 0 से 100 की स्पीड पकड़ती है 10.4 सेकंड्स के अंदर। इस गाड़ी का कंपटीशन रहेगा वंस आफ्टर लॉन्च आपके मारुति सुजुकी स्विफ्ट से, मारुति बलिनो से, फॉक्सवैगन पोलो से, फोर्ड फिगो से, एंड आपका जो ये आने वाला मॉडल है होंडा जैज का उसके साथ। अगर हम बात करें एक्सटीरियर की, तो गाड़ी में काफी कुछ डिफरेंट है लुक एंड अपीयरेंस वाइज। आपको मिल जाएगा इसमें डायनेमिक न्यू फ्रंट एंड ग्रिल, MG का फेमस ऑक्टागोनल लोगो जो कि काफी अच्छा लगता है, एक्सप्रेसिव हेडलाइट्स मिल जाएंगी, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाएंगी, चॉइस ऑफ 6 डिस्टिंक्टिव कलर्स ऑप्शन मिल जाएंगे आपको विद 9 ग्राफिक पैक्स। इसके अलावा आपको मिल जाएगा यूनिक डोर मिरर कैप्स का ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ इंटीरियर की यानी कि अंदर की, तो आपको मिल जाएगा गुड लेग रूम फॉर 5 पीपल, इंप्रेसिव बूट स्पेस 285 लीटर्स का। इसके अलावा आपको मिलेगा ब्लूटूथ टेलीफोन का सिस्टम, इसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाने वाला है। एक चीज और, इसके अंदर आपको USB पोर्ट मिल जाने वाले हैं स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ऑफ MG 3। इसके अलावा आपको मिल जाएगा 8 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 8 इंच का आपको इंफोटेनमेंट मिल रहा है किया सेल्टोस के मिड वेरिएंट से, सेम आपको यहाँ पे छोटी कार के अंदर मिल जाने वाला है 8 इंच का ही इंफोटेनमेंट सिस्टम, यानी कि छोटी कार बट स्क्रीन बड़ा। इसके अलावा गाड़ी में आपको मिलता है, ये पहली चीज तो ये कि गाड़ी काफी अफोर्डेबल है आपकी प्राइस के हिसाब से। 5.8 लाख में अगर ये लॉन्च करते हैं भारतीय मार्केट में, तो अगर हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें, हम एवरेज की बात करें, ओवरऑल फीचर्स की बात करें, तो ये गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है आपके लिए। सेफ्टी की बात करें, गाड़ी में आपको मिल जाएगा ABS, EBD, EBA, CBC एंड आपका SCS जो होता है आपका, वो होता है स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा आपको मिल जाएगा HHC, जिसको हम कहते हैं हिल होल्ड कंट्रोल। फ्रंट डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे आपको, रियर में आपको मिलने वाले हैं ड्रम ब्रेक, जो कि आपको नॉर्मली ऐसी गाड़ियों में मिलते हैं हैचबैक के अंदर। बहुत कम गाड़ियां हैं भारतीय मार्केट में जिसमें आपको हैचबैक के अंदर फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक मिले, तो ये गाड़ी अलग नहीं रहने वाली। प्राइस के अलावा के हिसाब से इसे कॉम्पिटेटिव बनाना है, तो फ्रंट में मिलेंगे डिस्क ब्रेक एंड रियर में मिलेगा आपको इसमें ड्रम ब्रेक। इसके अलावा क्या खास है गाड़ी में, आपको मिल जाएगा TPMS। TPMS बेसिकली होता है आपका टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम, ये अच्छी चीज है, गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको मिल जाएगा सेंट्रल डोर लॉकिंग का ऑप्शन, रिमोट कंट्रोल डोर लॉकिंग का ऑप्शन विथ डेड लॉक्स एंड इमोबिलाइजर का ऑप्शन, स्पीड सेंसिटिव डोर लॉक्स मिल जाएंगे, ये तो स्टैंडर्ड फीचर है हर गाड़ी में आता है। रिमोट फ्यूल फ्लैप रिलीज मिल जाएगा आपको, सीट बेल्ट वार्निंग का ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए। इसके अलावा आपको मिल जाएगा ट्विन फ्रंट साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स का ऑप्शन, पैसेंजर एयरबैग मिल जाएगा आपको, उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, स्विच उसमें मिलेगा आपको। 3x3 पॉइंट आपको मिल जाएगा सीट बेल्ट के अंदर, 2-way एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिल जाएगा चाइल्ड सेफ्टी में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट
का ऑप्शन। इसके अलावा रियर चाइल्ड लॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप रियर डोर में चाइल्ड लॉक लगा सकते हो, अंदर जो बच्चा बैठा है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली चलती गाड़ी में दरवाजे को खोल नहीं पाएगा जब तक कि उसे कोई बाहर से खोलता नहीं है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा व्हीकल इमोबिलाइजर का ऑप्शन, जिसको हम लोग इंजन इमोबिलाइजर भी बोलते हैं। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है 8 इंच का कलर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले, सैटेलाइट नेविगेशन मिल जाएगा आपको, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, रिवर्स कैमरा विद डायनामिक गाइडलाइंस मिल जाएगा, रेडियो स्टैंडर्ड रहने वाला है ऑक्स एंड यूएसबी पोर्ट के साथ, डीएबी रेडियो भी रहेगा आपका, रिमोट ऑडियो कंट्रोल्स ऑन स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा आपको, ब्लूटूथ टेलीफोन कनेक्शन मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, ब्लूटूथ टेलीफोन एंड ऑडियो स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा इसमें 2 फ्रंट स्पीकर विद वूफर, 4 फ्रंट स्पीकर विद वूफर, इसमें आपके 2 मेन स्पीकर होते हैं, 2 ट्विटर होते हैं। तो ओवरऑल हम अगर ओवरऑल पैकेज की बात करें तो 6 स्पीकर हैं जिसमें आपका वूफर इंक्लूड है, 2 फ्रंट में, 2 ट्विटर रहेंगे एंड 2 आपके रियर में रहेंगे। इसके अलावा फ्रंट इंटीरियर लैंप मिल जाएगा आपको विद रीडिंग लैंप एंड टाइम डिले का ऑप्शन आपको मिल जाएगा उसके अंदर, यानी कि आप जो गाड़ी को लॉक अनलॉक करते हो तो थोड़ी लेट आपकी जो लाइट है वो ऑफ होगी। इसके अलावा हेडलैम्प ऑन वार्निंग साउंड का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि गाड़ी में अगर आपने हेडलाइट ऑन छोड़ दी लॉक करने के दौरान गाड़ी आपकी आवाज करेगी। इसके अलावा गाड़ी में मिल जाएगा आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, जो कि काफी अच्छा है। इस हैचबैक सेगमेंट के अंदर अगर 5.8 लाख रुपए से गाड़ी आपकी स्टार्ट होती है और आपको क्रूज कंट्रोल मिल रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, बिकॉज ये आपकी मदद करता है फ्यूल सेविंग में। इसके अलावा गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगा एयर कंडीशनिंग विद डस्ट एंड पोलन फिल्टर का ऑप्शन, फ्रंट एंड रियर में इलेक्ट्रिक विंडो मिल जाएंगी आपको, 1 टच डाउन का ऑप्शन रहेगा ड्राइवर साइड में, मल्टी फंक्शन ट्रिप मीटर रहेगा, ग्लेयर रेड्यूसिंग विंडस्क्रीन रहेगा। बट ये जो आपका ग्लेयर रेड्यूसिंग विंडस्क्रीन है ना, ये मुझे ऐसा लगता है आपको टॉप मॉडल में ही मिलने वाला है। इंटरमिटेंट फ्रंट वाइपर मिल जाएंगे। अब मैं बात करूं ओवरऑल साइज की, तो ओवरऑल जो गाड़ी का मेजरमेंट है वो रहेगा आपका 4055 mm का, एंड ओवरऑल विड्थ है आपका वो रहेगा 1912 mm का, हाइट रहेगी 1845 mm की, व्हील बेस रहेगा 2520 mm का, एंड जो गाड़ी का टर्निंग रेडियस है वो रहेगा आपका 10.4 mm का। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि गाड़ी में फीचर सारे हैं जो आपको एक चाहिए होते हैं गाड़ी को सेफ बनाने के लिए, लुक एंड अपीयरेंस में कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। इसके लिए वेट कौन करे? वेट वो सारे फ्रेंड्स कर सकते हैं जिनका प्लान है अगले साल गाड़ी लेने का, लाइफ की पहली कार लेनी है, या फिर उनको एक छोटी गाड़ी चाहिए अपने घर में यूज करने के लिए। लुक एंड अपीयरेंस डिफरेंट चाहिए ताकि वो घिसी पिटी गाड़ी रोड पे ना लगे, बिकॉज हम लोग आज की डेट में रोड पे बलिनो को, स्विफ्ट को देख के बोर हो चुके हैं। कुछ गिने चुने ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, फॉक्सवैगन पोलो, थोड़ा सा सर्विस उसकी एक्सपेंसिव मानी जाती है, तो हम लोग एमजी की इस गाड़ी को ले सकते हैं, एमजी 3 मॉडल को, नेक्स्ट ईयर के सेकंड हाफ में आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी काफी अच्छी लगी मेरे को पर्सनली, एंड अगर रेट सेम रहा 5.8 लाख का तो ये गाड़ी जबरदस्त पैकेज रहने वाली है ओवरऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं था आपका होस्ट आलोक सिंह। वो सारे मेरे फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, याद से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज डेली मैं एक वीडियो लेके आता हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप डेली कुछ ना कुछ ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिस करते आते हो, एंड यू नेवर नो कब आपका गाड़ी लेने का प्लान बन जाए। अगर आपको गाड़ी की टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होगा आप एक बेटर जजमेंट कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।